महल की मुख्य एंट्री होती है। आइए महल की मुख्य एंट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए सामने आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, ये महल की मुख्य एंट्री मानी जाती है क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब भी कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय जो मकान का मेन गेट होता है उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति विराजमान की जाती है। देखिए सामने वही प्रोसेस अपना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बढ़िया होंगे। बढ़िया रहना दोस्तों। मैं आया हूँ अब आमिर किला, और अभी आमिर किला आपको पूरा दिखाएंगे, और अभी हो सकता है कि हम गाइड लें। गाइड लेने के बाद आपको क्वालिटी बताएंगे आमिर किले की। और पीछे देख सकते हैं अब आमिर किला है, और अभी आमिर किला आपको पूरा दिखाएंगे। यार काफ़ी पुराना है, और अभी आपको जाते हैं और दिखाएंगे आमिर किला हम आपको पूरा। तो चलते हैं आमिर किले की ऊपर की साइड, और अब हम यहाँ से ऊपर की साइड सीधा जाएंगे और सामने देख सकते हैं आमिर किला है। काफ़ी बड़े बड़े इसके रास्ते हैं। कहाँ जाने का? तारागढ़ का। और चलते हैं अब सामने की साइड, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर लेफ्ट साइड में किले का मेन द्वार है, और वहाँ से हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अंदर से आपको दिखाएंगे आमिर किला, और हमें गाइड भी कम पैसे में मिलेगा, और टिकट भी यहाँ का हमें कम पैसे में मिलेगा। वैसे तो टिकट 120 रुपये में मिलता है, हमें मात्र 20 रुपये मिलेगा क्योंकि हम स्टूडेंट के कार्ड लेकर गए हैं। स्टूडेंट का कार्ड लेकर कोई भी जाए तो उसे 20 रुपये मिलता है, और जैसे कोई जैसे स्टूडेंट का कार्ड लेकर नहीं जाएगा तो उसको 120 रुपये में पड़ेगा। और गाइड का भी जो मतलब, और जैसे स्टूडेंट के लिए छूट होती है 100-200 रुपये, जो भी चाहो आप खुशी से अपनी दे सकते हो। और हमारे साथ वाले गाइड से बात कर रहे हैं कि किले की फुल हिस्ट्री बताने के कितने पैसे लोगे। पीछे की साइड बात कर रहे हैं, और अभी जब बात कर लेंगे तो हम जाएंगे गाइड के पास, आपको गाइड से मिलवाएंगे। और हमारे साथ वालों ने गाइड से बात कर भी ली है। 100 रुपये में भाई फुल हिस्ट्री आमिर किले की बताने के 100 रुपये बोले हैं इनको, और ये 100 रुपये में आमिर किले की फुल हिस्ट्री बताने को रेडी हैं। और चलते हैं हम आपको गाइड से मिलवाते हैं। जलेबे अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है थी उसकी सेना यहाँ खड़े होकर के परेड किया करती थी। सामने आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, सामने स्टेज उसके ऊपर राजा खड़े हो जाते थे, और जो सेना हुआ करती थी वो यहाँ से उसके भी सलामी किया करती थी, परेड किया करती थी। सामने देखिए आपको गेट दिखाई दे रहे होंगे, सामने वाले गेट को बोलते हैं सूरज कौल, और साइड में देखिए आपको दूसरा गेट दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा उसको बोलते हैं चांद पोल। देखिए सूरज पोल, सूर्य इधर से सूर्य की किरण इधर से निकलते थे इसलिए उसको सूरज पोल के नाम से जानते हैं, और जो चांद की किरण है वो इधर से निकल दिखाई देती थी इसलिए इसको बोलते हैं चांद पोल। सामने देखिए आपको नंगाड़ा ढोलक दिखाई दे रही होगी, ऊपर चांद पोल गेट के ऊपर ढोलक दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं नंगाड़ खाना। इसके अंदर उसके अंदर वाद्य यंत्र होते थे, उन वाद्य यंत्रों को जब भी बजा कर जब भी कोई मेहमान आता राजा महल के अंदर आता तो उनको बजा करके उसका स्वागत किया जाता था। सामने देखिए आपको कमरे दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं सामने, उसको बोलते हैं अस्तबल। अस्तबल का मतलब था घोड़े बांधने का स्थान, उन कमरों के अंदर पहले घोड़े बांधे जाते थे। देखिए आइए अब आगे चलते हैं, आगे उसके बाद की प्रोसेस समझा। आपको फोटो वगैरह लेनी है? नहीं नहीं फोटो वगैरह ले लेंगे बाद में, आप पहले ऊपर का सारा बता दो। आराम से बताएंगे फिर बाद में नीचे की फोटो ले सकते हो, लेकिन जैसे आगे चलेंगे तो वहाँ से तो फोटो लेनी पड़ेगी आपको। आइए देखिए सामने इधर आपको ये सामने देखिए ये यहाँ पर प्रतिदिन बकरे की बलि लगती है, दूध लगती है, प्राचीन समय से बलि दी जाती थी। यहाँ पीछे साइड में देखिए आपको शिला माता का मंदिर दिखाई देगा, उस शिला माता के लिए वो बकरे की बलि दी जाती है प्रतिदिन। अब हम चल रहे हैं, देखिए आपको सामने की दरवाजा दिखाई दे रहा होगा, उस दरवाजे को बोलते हैं सिंह द्वार।
ये एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब हम सिंह द्वार से होते हुए दीवाने आम महल में प्रवेश करेंगे। देखिए अब हम दीवाने आम के महल में आ चुके हैं। सामने देखिए आपको अरावली की पहाड़ी नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको दीवार दिखाई दे रही है वाल। ये दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी दीवार है। पहले नंबर की है चाइना की दीवार, दूसरी है कुंभलगढ़ की दीवार और तीसरी है ये आमेर के किले की दीवार। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर एरिया में बनी हुई है और ये दीवार जो दिखाई दे रही है ये 12 किलोमीटर एरिया में बनी हुई है। देखिए अब जहाँ आप खड़े होना उसको बोलते हैं दीवाने आम। सामने वो जो महल दिखाई दे रहा है वो दीवाने आम का महल है। देखिए सामने उस दीवाने आम के महल में आपको कुल 48 पिलर दिखाई देंगे, कुल 48 पिलर दिखाई देंगे जिसमें जो सफ़ेद वाइट संगमरमर के बने हुए दिखाई देंगे और 32 पिलर हैं आपको लाल पत्थर से बने हुए दिखाई देंगे। देखिए ऊपर इन पिलरों के ऊपर आपको हाथी की सूंड और कमल का फूल नजर आएगा आ रहा है। ये हिंदू राजपूत स्थापत्य कला की निशानी मानी जाती है। पिलरों के नीचे देखिए गौर से तो आपको मेहराब की आकृति दिखाई देगी। ये आकृति मुगल स्थापत्य कला की निशानी मानी जाती है। वो आपको महल दिखाई दे रहा है उसके मध्य भाग में राजा बैठा करते थे। साइड वाली जो गैलरी है उसमें मंत्री वगैरह बैठा करते थे। जो ये आंगन दिखाई दे रहा है इस आंगन में यहाँ की प्रजा बैठा करती थी, जो जनता बैठा करती थी इसमें। देखिए अब हम दीवाने आम के महल में प्रवेश करते हैं। आइए फोटो लेने के लिए वापस यहाँ नहीं आना पड़ेगा, आओगे तो वापस टिकट कटवा करके आओगे। ये आपने देख लिया है। यहाँ ही रहो, यहाँ ही रहो आगे। ये जो चौक दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे उस समय राजा बैठा करते थे। ये कॉरिडोर है, इसके अंदर राजा के मंत्री वगैरह बैठा करते थे। ऊपर देखिए आपको कुंडे दिखाई दे रहे होंगे, उस कुंडे के अंदर रस्सी ढाल करके पर्दा लगाया हुआ होता था जो कि राजा के लिए हवा करने का कार्य करता। इधर आइए आगे देखिए आप। देखिए बाहर आपको दो बगीचे दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं। एक का नाम है दिलेर बाग गार्डन और दूसरे का नाम है मोहन बाग गार्डन। जो इस किले का निर्माता है, इस महल के निर्माता है, वो दो कलाकार थे, एक मोहन राम और दूसरा दल्ला राम। दल्ला राम दोनों के नाम से ये गार्डन बने हुए हैं, क्योंकि जब राजा जब इन्होंने ये महल बनाया तो उसकी कलाकारी से प्रसन्न होकर के उन्हें राजा ने उसकी याद में ये दो जो बगीचे हैं वो बनाए थे। पास ही में देखिए इन बगीचों के पास में आपको मावठा झील दिखाई देगी, उसको मावठा झील, मावठा तालाब, मावठा सरोवर के नाम से जानते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक महल दिखाई दे रहा होगा उधर, ये है जोधाबाई का महल। इस महल को जोधाबाई के महल के नाम से जानते हैं। पहले जोधाबाई इसी महल में रहा करते थे, जो भारमल की पुत्री थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉरिडोर दिखाई दे रहा ना आपको, इस कॉरिडोर से अब वर्तमान में हाथी सवारी इसी कॉरिडोर से आया करती है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होकर के 12 बजे तक आती रहती है। आइए आगे, आगे। सामने आपको 27 कचहरी नज़र आ रही होगी। ये जो बनी है इसको 27 कचहरी के नाम से जानते हैं। 27 कचहरी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि उस समय जो आमेर की रियासत थी ये 27 रजवाड़ों में बटी हुई थी। अगर कोई भी रजवाड़ा
लगान वगैरह नहीं देता या कोई समस्या हो जाती तो वो उसके सामने आकर के न्याय किया करते थे। अभी इसको उस ये जो 27 कचहरी दिख रही है उस समय के इनको हाईकोर्ट बोल सकते हैं, वर्तमान समय जो अदालत देखी है ना वही हाईकोर्ट बोल सकते हैं उस समय की। आइए आगे देखिए। ये है 27। सामने देखिए आपको एक बगीचा दिखाई दे रहा होगा, ये तालाब है, इसको मावठा झील के नाम से जानते हैं, मावठा सरोवर के नाम से इसी को जानते हैं। सामने केसर क्यारी गार्डन बगीचा है, इसमें केसर उगाने के लिए का प्रयास किया गया लेकिन ये डेजर्ट एरिया होने के कारण वो सक्सेस नहीं हो सका, इसलिए ये अभी वर्तमान में ये इसमें पेड़ पौधे उगाए गए हैं लेकिन केसर अभी नहीं उगती। सामने एक लाइट एंड साउंड शो का दिखाई दे रहा होगा स्टेज, वो लाइट एंड साउंड शो का स्टेज है, उसमें शाम के 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक हिंदी शो और 7:30 से 8:30 बजे के बीच में इंग्लिश शो दोनों प्रोग्राम होते हैं। जो जोधा अकबर फिल्म देखी है, जोधा भाई अकबर, उस फिल्म की एक शूटिंग वही होती है, उसका एक गाना है दिलेरे बाहर, वो वहीं पे हुआ था उसकी शूटिंग। अब आइए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बिना लाइट का गीजर उसकी ओर चलते हैं। आइए बिना लाइट के गीजर की ओर चलते हैं। ये है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये बिना लाइट का गीजर है उस समय का। नीचे जो यह दिखाई दे रहा है इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई होती थी, अभी भी है। पहली जब ये कॉपर की प्लेट लगी है तो नीचे ये आपको मोखे दिखाई दे रहे हैं, ये खाने दिखाई दे रहे हैं, इसमें लकड़ियां ढाल करके आग जलाई जाती थी। जैसे ही आग जलती है तो आग जलने के बाद में ये कॉपर की प्लेट गर्म होती, गर्म होने के बाद में जो इसमें पानी होता था वो गर्म होता था। अब वो पानी कैसे काम करता है वो आगे आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा सा अपना वॉइस तेज रखो। आइए आप देखिए, जो पानी गर्म होता था उधर वो डोम दिखाया उसमें पानी गर्म होता, गर्म होने के बाद में इसकी प्रोसेस अभी दिखा रहे हैं आपको, आगे चल करके वो प्रोसेस समझाते हैं, इसके बाद में इस कमरे की प्रोसेस समझ में आएगी आपको। ये क्या है, जैसे ही राजा रानी जो नहा लेते हैं उसके बाद में नहा धो करके जब वो कपड़े चेंज करने के लिए आते तो इसी कमरे में वो कपड़े चेंज किया करते थे, इसलिए इसको बोलते हैं चेंज रूम। सामने एक विंडो दिखाई दे रही है, जैसे ही राजा जो रानियां नहा करके आ जाती उस विंडो के सामने खड़े होकर के अपने बाल सुखाया करती थी। आइए जो पानी गर्म होता था वो कैसे काम करता था वो बताते हैं। ये थोड़ा सा आगे आगे बढ़ जाए। ये देखिए बिना लाइट का गीजर आपने नीचे देखा होगा साइड में, ये है बिना लाइट का गीजर, इसमें पानी गर्म करने के लिए पानी डाला जाता था, नीचे आग जलाई जाती थी, आग जलाने के बाद में जो कॉपर की प्लेट लगी हुई थी वो कॉपर की प्लेट गर्म होती, गर्म होने के बाद में इसमें जो पानी होता था वो पानी गर्म होता, गर्म होने के बाद में वो पानी किस प्रकार से काम में आता वो आगे बताते हैं। देखिए नीचे देखिए आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, ये होल दिखाई दे रहा है, इस होल से वो पानी गर्म होने के बाद में इस होल से बाहर निकाला जाता है, ये नालियों के द्वारा होता हुआ पानी नाली से बहता हुआ उस बाट टब में जाता जो कि 17वीं शताब्दी का बाट टब है। देखिए ये है 17वीं शताब्दी का बाट टब है, जब वो पानी गर्म हो गया, गर्म होने के बाद में इस नाली के द्वारा वो बह करके अंदर आता, अंदर आने के बाद में जैसे ही पानी जो राजा को नहाना होता या रानी को नहाना होता, राजा को नहाना होता तो राजा बैठ जाता है साइड में, उसके पहलवान बैठ जाते हैं मालिश वगैरह करने के लिए, और उसको नहला के रानी को नहाना होता तो रानी की दासियां साइड में बैठ करके उसको नहलाती। अगर राजा को नहाने के बाद में भी मज़ा नहीं आता, वो कहती था कि यहाँ तो नहाने में मज़ा नहीं है, तो सामने देखिए ये दिखाई दे रही है, इसमें सेंटेड वाटर होता था,
इस सेंटर वाटर से इतनी रानी को जो राजा को रहना जाता था उसके बाद था कि अब मजा आ गया है, इसलिए ये है 17वीं शताब्दी का बॉटम। और वहाँ देख ही लिया कि रानी कैसे अपने बालों को सुखाती थी उस विंडो की तरफ, और साइड में चेंजिंग रूम दिखाई दिया आपको। आई है सामने है उस जमाने का बाथटब, ये लेट बाथ उस समय का लेट बाथ है, ये है वेस्ट, वो वेस्ट का है, ये लेटरिन का है, वेस्ट उधर चला जाता था। आइए बाहर दिखाते हैं, दीवाने आम का पोर्शन पूरा हो गया। अब इसके बाद में महल की मुख्य एंट्री होती है। आइए महल के मुख्य एंट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए सामने आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, ये महल की मुख्य एंट्री मानी जाती है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब भी कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय जो मकान का मेन गेट होता है उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति विराजमान की जाती है। देखिए सामने वही प्रोसेस अपनाई गई, ये महल का मुख्य गेट है, उसके ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति विराजमान दिखाई दे रही होगी। सामने आपको जो कलर दिखाई दे रहा है ये नेचुरल कलर है, ये कलर जितनी जो हरा कलर दिख रहा है ये सब्जियों को हरी सब्जियों को सड़ा गला करके हरा कलर तैयार किया जाता था। लाल कलर है जो गाजर चुकंदर उनको सड़ा गला करके तैयार किया जाता है। अब देखिए सामने आज भी ये कलर ऐसा कैसा बनता है, सामने विंडो दिखाई दे रही होगी, उसको बोलते हैं सुहाग विंडो। जब राजा या राजा जब युद्ध के लिए जाता तो रानी उसकी सलामती के लिए उसके पीछे अखंड जोत जला करके बैठ जाती। जब तक राजा वापस विजय होकर के या लौट करके नहीं आ जाता तब तक वह अखंड जोत जलती रहती है, और जब राजा आ जाता तो राजा इन सीढ़ियों में खड़ा हो जाता, उस विंडो के द्वारा रानी उसके स्वागत के लिए फूल बरसा करके स्वागत करती थी। देखिए आइए अब आगे चलते हैं। देखिए कलर, देखिए ऊपर आपको यहाँ से देखने पर ये भगवा कलर नजर आएगा, साइड से देखोगे तो ये प्योर गोल्डन कलर है, बिल्कुल गोल्ड कलर का। साइड से इधर से देखिए, देखिए प्योर गोल्ड कलर नजर आएगा, गोल्ड कलर है। देखिए अब हम दीवाने खास से महल के अंदर आ गए हैं। सामने दीवाने खास के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक शीश महल बना हुआ है, इसको बोलते हैं शीश महल। शीश महल ये जो पूरा जो महल बना हुआ है शीशे का बना हुआ है, इसके अंदर आप पहले क्या होता था जैसे लैंप जला देते तो उसकी रोशनी ऊपर जाती, तो जैसे ही रोशनी ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में असंख्य तारे जगमगा रहे हो, इस प्रकार से लगता था। आज भी वो आपको दिखाएंगे आगे, चलिए देखिए आगे आइए। ये जो महल बना हुआ है पैर मार्बल का बना हुआ है, इसमें हाथ की कारीगरी है, किसी मशीन की कारीगरी नहीं है। आइए आप अपने मोबाइल की टॉर्च चला करके देखिए कि तारे कैसे दिखाई देते थे उस समय, अभी भी दिखाई देते हैं। मोबाइल की टॉर्च चला करके देखिए, मोबाइल में निकाल और ये देखना, ऊपर देखना, देखो देखिए दिखाई दे रहा है।
आज भी दिखते हैं, जैसे ही लाइट ओपन हो जाती है वो ऐसे चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। ये है सामने मैजिकल मिरर है, सामने मैजिकल मिरर है, उससे आने जाने वाले सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छी सेल्फी आती है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये यहाँ का देखने का सबसे खूबसूरत महल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल माना जाता है। चलिए आगे मुगल गार्डन की ओर चलते हैं। आइए अब हम शीश महल से आगे निकल रहे हैं, आपको मुगल गार्डन दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको यहीं स्टॉप करते हैं। दोस्तों इससे आगे का वीडियो मैं अपने चैनल पे पार्ट टू करके अपलोड करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं जाके।